होशियारपुर के भूतगिरी मंदिर के मुख्य पुजारी और श्री श्याम ज्योतिष केंद्र के प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित श्याम ने बताया कि कष्ट के निवारण के लिए स्टोन जरूर डालना चाहिए। अगर किसी का सूरज खराब है तो उनको मानिक, चंद्रमा खराब है तो मोती, और यदि किसी का बुध खराब है तो उसको पन्ना धारण करना चाहिए। शुक्र ग्रह खराब होने पर डायमंड या हीरा ग्रहण करने पर लाभ दे सकता है। चंबा एक्सप्रेस टीवी देख रहे दर्शकों का मैं होशियारपुर तो गौरव एक बार फिर स्वागत करता हूँ। ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति के जीवन के जिस तरह हत्थों की लकीरों का संबंध किस्मत के नाल मनिया जाता है, ठीक उसी तरह ग्रहों का संबंध भी रत्ना के नगा के नाल मनिया जाता है। तो रत्ना की नगा बारे ज़्यादा जानकारी लिए मेरे नाल मौजूद हैं होशियारपुर के प्रसिद्ध ज्योतिषी श्री श्याम जी। श्याम जी, तुहाडा चंबा टीवी बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो श्याम जी, मैं ये चाहूँगा तुम रत्ना की नगा बारे डिटेल के जानकारी दो कि राशि में कौन रत्न नग पाना चाहिए। देखो जी, जो इंसान के शरीर के नौ ग्रह की संरचना के अनुसार हमारे शरीर के अंदर नौ ग्रह विद्यमान हैं, तो नौ ग्रहों के अनुसार चाहे हमारे राशि के अनुसार हैं, चाहे जो ग्रह हमारे कुंडली में दशा में माँ दशा में अंतर दशा में अगर कोई भी ग्रह पीड़ा दे रहा है तो उस पीड़ा के मुताबिक भी हम लोग स्टोन डालते हैं, या कोई राशि के अनुसार हमारे जो नग होते हैं तीन कंडीशन में स्टोन डाले जाते हैं। या तो कोई कष्ट दे रहा है, कष्ट का निवारण के लिए स्टोन डालना चाहिए, या हमारा भाग्य कमजोर है जो भाग्य उदय करने के लिए हमें कौन सा स्टोन डालना चाहिए वो स्टोन डालना चाहिए। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं कि हम कोई हमारा राशि होती है, हमारे राशि के अनुसार कौन सा स्टोन है वो हमारा उसके हिसाब से स्टोन डालना चाहिए। तो हमारे जो नौ ग्रह हैं, नौ ग्रहों के हमारे स्टोन हैं। अगर किसी का सूरज खराब है तो उसको माणिक स्टोन डालना चाहिए, किसी का चंद्रमा खराब है तो उसको मोती धारण करना चाहिए, किसी का बुध ग्रह खराब है तो उसको पन्ना धारण करना चाहिए, किसी का बृहस्पति खराब है तो उसको पुखराई डालना चाहिए, किसी को शुक्र ग्रह खराब है तो शुक्र ग्रह के अनुसार उसको डायमंड या हीरा वो स्टोन डालना चाहिए, किसी का शनि ग्रह खराब है तो उसको नीलम डालना चाहिए या जामुनिया डालना चाहिए, या किसी का राहु खराब है तो उसको गोमित डालना चाहिए, या किसी को केतु खराब है तो उसको लहसुनिया डालना चाहिए। ये हमारे नौ ग्रह के नौ स्टोन हैं। ये स्टोन हमारे राशि के अनुसार भी बट जाते हैं, और ये हमारे दशा या माँ दशा या अंतरदशा या प्रतंत्र दशा के अनुसार भी हमारे स्टोन बट जाते हैं। तो जो आपकी कुंडली है, कुंडली के अनुसार किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ में ये वाला आप अपनी कुंडली दिखाएं, कुंडली के हिसाब से आप जानें कि राशि के हिसाब से हमें ये वाला नग है और दशा या माँ दशा के हिसाब से हमें ये वाला नग है। तो बगैर एस्ट्रोलॉजर के जानकारी के अनुसार ही स्टोन डालें, बगैर कुंडली दिखाए कोई स्टोन ना डालें। कभी क्या होता है कि स्टोन का कभी रिएक्शन भी हो जाता है तो बॉडी को रिएक्शन भी देता है। जैसे हम लोग नीलम के ऊपर करते हैं, जैसे अगर बगैर चेक करें अगर हम नीलम धारण करते हैं तो हमें कितनी परेशानियों पर वो खड़ा कर देता है। चाहे स्टोन बिल्कुल छोटा है चाहे स्टोन वो बड़ा है, वो हमें एक चेक करके ज़रूर स्टोन डालना चाहिए। स्टोन हमेशा अपने वेट के अनुसार ही डालना चाहिए कि हमारा वेट कितना है, वेट के हिसाब से हमें कौन सा स्टोन कितने रति का डालना चाहिए। तो स्टोन की बहुत सारी लंबी वार्तालाप होती हैं, तो मैं चंबा टीवी वालों का दिल से धन्यवाद करता हूं जो इन्होंने श्री बांके बिहारी ज्योतिष कर्मकांड के अंदर तो छोटा सी जो सेवा मेरे से ली है, तो अगर कोई गलती हुई है तो उसको मैं क्षमा करता हूं। मतलब पंडित जी, मैं पूछूंगा भी जिस तरह तुम दस्या भी कोई भी नग या रतन पाना है, मतलब ज्योतिषी की सलाह के अनुसार ही पाना, अगर उदा कि असं पाने वह भी साइड इफेक्ट भी हो सकता है। देखो, जो स्टोन है ना, जो ज्योतिष के अनुसार जो एस्ट्रोलॉजर है जिन्होंने रिसर्च की है कि स्टोन हमें कौन से हिसाब से डालना चाहिए, तो कभी क्या होता है कि जो स्टोन होता है कि बॉडी की रिस्क के अनुसार हम मान लो स्कूल राशि के हिसाब से आपको स्टोन डलवा दिया, जैसे आपकी कुंभ राशि है, कुंभ राशि के हिसाब से आपका नीलम बनता है, नीलम डालो। लेकिन कभी क्या होता है दशा या माँ दशा में या शनि कभी आपकी ऐसी गलत जगह बैठा हुआ है जो आपको गलत इफेक्ट देता है, क्योंकि शनि दो स्थिति में होता है, एक तो उदय होता है एक अस्त होता है। अगर अस्त में हम कोई अगर स्टोन डालते हैं तो रिएक्शन उसका कोई और है, अगर उदय में डालते हैं उसका कुछ और है। तो इसलिए जो स्टोन है हमेशा ग्रह चेक करने के बावजूद ही स्टोन डालें चाहिए, जरूरी नहीं है कि हम राशि के अनुसार ही ये वाले स्टोन को डालें। अगर राशि के हिसाब से हमें ये वाला स्टोन है लेकिन वही ग्रह हमारा अगर कुंडली में कमजोर है या दशा में हमारा ग्रह कमजोर है तो राशि का स्टोन हमें उससे कोई फल प्राप्त नहीं होगा।
पंडित श्याम जी, तुसी चंबा टीवी दे नाल रत्ना दे नगां दी जानकारी सांझा कीती, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।